आज हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे। इसे केक, खीर और कई मिठाइयों में भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेंगे। हमारा कंडेंस मिल्क ऐसा ही बनेगा, रेडीमेड भी ऐसे ही होते हैं। तो क्यों हम बाजार से खरीदे, रेडीमेड ले, हम घर में क्यों ना बना लें। तो चलिए शुरू कर लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और गैस को जला लेंगे। और यहाँ पे हमने 500 ग्राम फुल क्रीम दूध लिया है। फुल क्रीम दूध से ही अच्छा बनेगा। अब फ्लेम को हाई रखेंगे और मिक्स करते हुए दूध को उबालेंगे। जैसे ही हमारा दूध उबल जाएगा, उसमें 200 ग्राम चीनी डालना है। 500 ग्राम दूध में 200 ग्राम चीनी डालना है और ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। तले तक करछी को ले जाना है, नहीं तो दूध हमारा नीचे लग जाएगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से घुमाते रहना है, हाथ को बार बार चलाते रहना है। और इससे कंडेंस मिल्क को आप कई जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन, इसे हम गुजिया में भी डाल सकते हैं। इसे हम खीर भी बना सकते हैं, खीर भी इसका बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। तो इसी तरीके से मिक्स करते रहिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आप कंडेंस मिल्क को बनाते हुए ध्यान रखेंगे तो आपका कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडीमेड जैसे बनेगा, जैसे कि आप खरीद के लाते हैं डब्बा वाला, उसी तरीके से बनेगा। तो कुछ देखिए, दूध हमारा आधा जल चुका है, थोड़ी थोड़ी दूध हमारी गाढ़ी होने लग गई है और थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है दूध का। जैसे ही हमारा दूध जलता है तो वैसे ही थोड़ी गाढ़ी होने लग जाती है और कलर भी चेंज होने लग जाता है। इसी तरीके से मिक्स करते रहना है, घुमाते रहना है। तो देखिए बबल आ रहा है दूध में। और ये भी ध्यान रखना है, जैसे ही हम दूध उबालेंगे वैसे ही हमें चीनी भी डालना है। चीनी बाद में नहीं डालना, शुरुआत में ही चीनी डालना होता है। तो देखिए इस तरीके से, अब जैसे ही हमारा दूध आधा जल गया है तो यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा लिया है। 1/4 से भी थोड़ा कम है बेकिंग सोडा, आधा दूध जल जाए तभी डालना है। डालते ही फिर से मिक्स करना है इस तरीके से। थोड़ा सा हाथ आपको तेजी से चलाना होगा क्योंकि दूध उबलने लग जाते हैं। पहले तो हमारा बबल बड़े बड़े हो रहे थे, जैसे ही हमने बेकिंग सोडा डाला तो दूध का जो बबल है वो छोटे छोटे हो गए हैं। तो अब कंडेंस मिल्क में हमारा दूध चेंज होने लग जाएगा बेकिंग सोडा डालने से ही। तो बेकिंग सोडा भी डालना जरूरी है कंडेंस मिल्क में, तभी हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडीमेड जैसे बनेगा। इसका यही एक टिप्स है। तो इस तरीके से बनाना है। तो देखिए दूध भी हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। जैसे ही हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो दूध हमारा और भी जल्दी से गाढ़ा होने लग जाता है और कलर भी बिल्कुल डार्क हो जाता है, येलो कलर में हो जाता है। अगर हम सोडा नहीं डालेंगे तो इतना कलर नहीं आएगा, कंडेंस मिल्क वाला कलर नहीं आएगा। सोडा से ही कलर चेंज हो जाता है। इसमें हमने कोई भी कलर यूज नहीं किया है, सोडा के वजह से ही कलर चेंज हो जाता है। तो कुछ कुछ हमारा कंडेंस मिल्क की तरह बनने लग गया है। आप देख सकते हैं वीडियो में दूध हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है। 1/4 दूध रखना है, 500 ग्राम दूध का हमें 1/4 रखना है। तो इस तरीके से चेक कर लेंगे हाथ दोनों उंगलियों के बीच में रख के। तो अभी हमारा नहीं हुआ है तैयार, 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। तो इस तरीके से पकाते टाइम आप गैस का फ्लेम बंद कर लें। अगर हमारा कंडेंस मिल्क तैयार होगा और गैस जलता रहेगा तो और ज़्यादा गाढ़ी बन जाएगा। तो इसीलिए जब भी चेक करें तो गैस को बंद करके ही चेक करें,
तो अब देखिए हम फिर से चेक कर लेंगे, तो ये एक तार छोटी सी बन रही है, तो हमारा कंडेंस मिल्क तैयार है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और मिक्स करते हुए फटाफट से ठंडा कर लेंगे, या तो आप दूसरे बर्तन में इसको निकाल सकते हैं, तो और भी जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल कंडेंस मिल्क तैयार है, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाते हैं, तो इसे हमें इस कप में सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।